स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। अफगानिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान टीम की हर कोई बुराई कर रहा है, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर्स हों, क्रिकेट पंडित हों, कमेंटेटर्स हों, मीडिया हो, पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हों, उनके जो करंट खिलाड़ी हों, वो हर कोई बस पाकिस्तान को ट्रोल करने में, पाकिस्तान की बुराइयाँ निकालने में, इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। अब इस बीच एक समीकरण जो है, एक इक्वेशन कहें कि पाकिस्तान, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में या आखिरी टॉप चार जो होती हैं उसमें अगर नंबर चार तक भी अगर पहुंचना चाहता है तो इक्वेशन क्या है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्या वो चमत्कार हो पाएगा कि पाकिस्तान आखिरी के चार यानी कि सेमीफाइनल में पहुँच जाए इस वर्ल्ड कप में, जिसमें उसे अफगानिस्तान से हार मिली, इंडिया से हार मिली और ऑस्ट्रेलिया से हार मिली। यानी कि पिछले 5 मैचों में अगर बात की जाए तो 3 में लगातार पाकिस्तान को हार मिली है और बाकी के जो मैचेस आने वाले वो होने वाले हैं टफ मुकाबले। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल पहुंच सकती है और क्या ये पॉसिबल है, क्या अभी भी पाकिस्तान की कुछ बाकी जो उम्मीदें हैं क्या वो अभी भी जिंदा हैं कि वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाए। तो देखिए अभी तो पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें, फिलहाल करंट पॉइंट्स टेबल की, तो वहाँ पर इंडिया जो है वो टॉप पर है, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, उसके बाद है न्यूजीलैंड, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 पर बैठा है पाकिस्तान और नंबर 5 के ठीक नीचे नंबर 6 पर बैठा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने पिछले मैच में पाकिस्तान को रौंदा था, 8 विकेट से हराया था और वो कमाल मैच था चेन्नई के मैदान पर। अब उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हालत है, जो इक्वेशन है या जो कहें कि पॉइंट्स टेबल में जो उनकी वैल्यू है, वो दोनों के लगभग सेम है, बस फर्क है नेट रन रेट का। पाकिस्तान का नेट रन रेट हल्का सा अफगानिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है, इसीलिए वो 5वें पर है और अफगानिस्तान का थोड़ा सा नेट रन रेट कम है तो वो है 6वें स्थान पर। दोनों टीमों के 5-5 मैच हुए हैं, दोनों टीमों ने सिर्फ 2-2 मैच जीते हैं और बाकी जो 3 मैच हैं वो हारे हैं। अब अगर पाकिस्तान की तरफ हम जाएँ तो पाकिस्तान के बचे हुए हैं 4 मैच और 4 मैच किन से खेलने हैं उनको, एक न्यूजीलैंड से खेलना है, एक साउथ अफ्रीका से खेलना है, एक बांग्लादेश से खेलना है और एक खेलना है इंग्लैंड से। यानी कि आप बांग्लादेश को चलिए आप थोड़ा सा अगर कम भी माने तो उनके अलावा 3 बड़ी टीमों से पाकिस्तान को मैचेस खेलने। अब अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचना है तो फिर पाकिस्तान को ये चारों जो मैच है वो जीतने पड़ेंगे, जीतने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ जीतने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बड़े रन रेट से, बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा, चाहे आप पहले बैटिंग करें चाहे आप पहले बॉलिंग करें। नेट रन रेट जब बड़ा होगा तो पाकिस्तान की टीम के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांस जो अभी भी जिंदा है वो बन पाएंगे। अभी पाकिस्तान के 4 पॉइंट और अगर पाकिस्तान अगले 4 मैच जीत जाए तो उसके और हो जाएंगे 8, यानी कि 8+4 = 12 पॉइंट, 18 में से 12 पॉइंट लेकर पाकिस्तान अंदर तो जा सकती है, पर उसे अपना नेट रन रेट भी मजबूत करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा, प्लस दूसरी जो टीमें हैं उनके रिजल्ट्स पर भी उनको डिपेंड रहना पड़ेगा कि भाई ये टीम उसको हरा दे, ये टीम इतने मैच हार जाए, ये टीम ऐसा हो जाए। अब ये जब इफ एंड बट्स आते हैं ना, ये बहुत कम चांसेस होता है कि कोई भी टीम अंदर क्वालिफाई कर जाए। हाँ, ये आईपीएल में ज़रूर होता है, प्लेऑफ्स की रेस में जब होता है कि यार किसी टीम को बचे हुए 7-1 मैच जीते हैं और मुंबई इंडियंस ने ऐसा कई बार करके दिखाया है कि भाई वो लगातार सारे मैच जीते हैं और प्लस दूसरी टीम ने उन्हें सपोर्ट भी कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया, हार गई या नेट रन रेट कम हो गया और ऐसे करके मुंबई इंडियंस पहुंची है, तो क्या पाकिस्तान भी पहुंच सकती है? तो भाई जवाब तो है हाँ, कि पाकिस्तान सारे मैच जीत जाए, नेट रन रेट उनका बेहतर हो जाए, अफगानिस्तान अपने कुछ मैचेस हार जाए, ऑस्ट्रेलिया अपने कुछ मैचेस हार जाए, उधर साउथ अफ्रीका हार जाए, उधर न्यूजीलैंड हार जाए, तो बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके पाकिस्तान पहुंच सकता है। फिलहाल जो प्रेडिक्शन है पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की वो है सिर्फ 8%। और सभी खिलाड़ियों ने, मतलब करंट क्रिकेटर्स हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, उन सब ने ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान नहीं पहुंच सकती, बट अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, बट सबको पता है कि ऐसे चमत्कार होते नहीं हैं। तो पाकिस्तान भले ही इस उम्मीद में होगी कि यार हम चारों मैच जीतेंगे, बड़े रन रेट से जीतेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ये होने वाला नहीं है, ये सबको पता है। तो पाकिस्तान के पास उम्मीद है, बट वो उम्मीद भी झूठी उम्मीद कहें उसे कहना गलत नहीं होगा। अब आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अभी भी क्या सेमीफाइनल पहुंच सकती है, और अगर नहीं तो फिर आपकी टॉप 4 सेमीफाइनल लिस्ट कौन होगी, कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल में जाएंगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।